नमस्कार दोस्तों, इस मशीन में दिक्कत क्या आ रहा है दोस्तों कि इसमें ऊपर का सिलाई जो है वो बिल्कुल सही दे रहा है, बट इसमें नीचे का सिलाई जो है आपको हम दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं, नीचे का सिलाई जो है दानेदार दे रहा है, उभरा उभरा सा दे रहा है। तो यही आज वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका ऊपर का सिलाई सही दे रहा है और नीचे का सिलाई ख़राब दे रहा है तो हम कैसे सही करें। चलिए हम चला के देखते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों देखिए, आपको दिखाते हैं सिल के कि कैसे दिक्कत कर रहा है। सामने करो कैमरा, ये देख सकते हैं ऊपर का सिलाई बिल्कुल सही सिला है। देख सकते हैं ऊपर का सिलाई बिल्कुल सही सिला है, बट हम नीचे का सिलाई आपको इसको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कैसे दिया, अभी कितना ज़्यादा उभरा उभरा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब दे रहा है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, बिना मशीन खोले आपको सॉल्व करना है दोस्तों, ऊपर से सही करना है। क्योंकि धागा जब ख़राब देता है तो आपका इधर से कोई दिक्कत नहीं होता है। देख सकते हैं इधर से आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि धागा का सिस्टम जो है आपका वो यहाँ से होता है, यहाँ से आपका आता है धागा। देख सकते हैं एक बार हम चला के दिखाते हैं, यहाँ से आपका धागा आ रहा है, देख सकते हैं आप, आसानी से दिख जाता होगा, और यहाँ से ऊपर जाता है और वो सिलाई करता है। तो दोस्तों यहाँ से ही दिक्कत होता है, जो भी दिक्कत है यहाँ और ऊपर से ही होता है, ये देख सकते हैं। तो इसमें हम समझेंगे दोस्तों कि अगर नीचे का आपका सिलाई ख़राब दे तो आपको यहाँ दिक्कत आता है, एक प्रॉब्लम ये हो गया, एक प्रॉब्लम आपका सुई का होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सुई आपको क्या कौन सा लगाना है। देख सकते हैं सुई जो है ऑर्गन का लगाना है 16 नंबर आपको, जिसका प्रिंट 40 रुपये आता है दोस्तों, देख सकते हैं। तो सुई हम सबसे पहले चेंज कर देंगे, उसके बाद हमको यहाँ देखना है। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम सुई को देखते हैं। चलिए हम इसको निकाल देते हैं, धागा को निकालते हैं पहले। धागा को हमने निकाल दिया है, सबसे पहले आपको इसको खोल के आपको आपका क्या करते हैं कि नीचे का सिलाई ख़राब आता है तो आपको बताया गया है कि इसको टाइट कर देने से आपका नीचे का सिलाई सुधर जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ टाइट कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ टाइट कीजिएगा तो आपका नीचे का सिलाई ख़राब देता होगा, वो सुधर जाता है। बट कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, यहाँ धागा फंस जाता है। देख सकते हैं आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे, यहाँ जो है यहाँ आपका धागा फंस जाता है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कचड़ा गिरा दोस्तों। ये धागा ब्लू वाला नहीं है, ये लाल वाला धागा है, ये धागा गिरा। कभी कभी क्या है, यहाँ धागा फंस जाता है तो कितना भी आप इसको टाइट कर देते हैं, यहाँ पे इस स्प्रिंग को कितना भी टाइट करते हैं, बट इसमें गैप रह जाता है और लूज ही आते रहता है सिलाई। तो इसको हमको खोल के साफ करना है, ऐसा नहीं कि यहीं से आप टाइट करते रहें हमेशा और सोचिएगा कि नीचे का सिलाई आपका सुधर जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको खोल देना है और अच्छे से साफ़ करके लगा देना है। ये तो हमारा बिल्कुल नया है दोस्तों, तो साफ़ कर दिए इसको, ये धागा निकाल दिए। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं। आपको इसको एक बार खोल के सफाई ज़रूर करना है दोस्तों, मंथ में एक बार, महीने में किया कीजिए। इससे क्या है कि मशीन में आपका कभी सिलाई में दिक्कत नहीं आएगा धागा का। चलिए हमारा ये तो लग गया, अब हम आपको दिखाते हैं सुई चेंज करके। सुई में क्या होता है, कभी कभी सुई जो है वो सुई मार देता है दोस्तों, तो टेढ़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सुई जो है वो मार देने के बाद जो है वो टेढ़ा हो जाता है। देख सकते हैं ये टेढ़ा हो गया इसका नोक, और यहाँ पे खतखुरा हो जाता है, चुभने लगता है। तो वो क्या है, कपड़ा को खुदेड़ देता है, कपड़ा को जो है बिल्कुल खुदेड़ देता है। तो चलिए हम सुई को चेंज कर देते हैं, ये पुराना वाला सुई हम निकाल देते हैं। पुराना वाला सुई हमको निकाल देना है, चलिए हम निकाल देते हैं। और सुई कैसे लगाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। देख सकते हैं चपटा वाला जो सुई है, चपटा वाला सुई आपका अंदर की तरफ रहेगा। देख सकते हैं थोड़ा ऊपर देखा, चपटा वाला भाग जो है हमारा है वो अंदर तरफ रहेगा और गोला वाला हिस्सा आपका बाहर तरफ रहेगा। तो चलिए हम लगा देते हैं। और कितना ऊपर लगाना है, पूरा ऊपर लगाना है, जितना ऊपर जाए उतना ऊपर पूरा लगाना है, नीचे नहीं लगाना है। नीचे लगाइएगा सुई तोड़ देगा, बहुत से लोग होता है कि सुई तोड़ रहा है तो उनका सुई इसलिए तोड़ने लगता है क्योंकि वो नीचे लगा देते हैं। तो चलिए हमने लगा दिया है, अब हमने इसको कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम धागा लगा लेते हैं। हमारा असली प्रॉब्लम जो हो रहा था यहाँ धागा फंस जाने की वजह से हो रहा था यहाँ पे, और सुई भी थोड़ा सा हमको लगा डॉट कि सुई थोड़ा ख़राब हो गया हमारा, क्या है खतखुरा टूट गया होगा कभी सुई, तो खतखुरा हो गया होगा। मशीन तो नया है दोस्तों, ये बिका हुआ मशीन है, अभी फ़िलहाल में ही बिका हुआ है, 2 महीना 3 महीना के आसपास हुआ होगा। पर कस्टमर का कहना है कि इसमें धागा बहुत ज़्यादा फंसा रहा है, तो हम उसको बताएं कि उसको आप टाइट कीजिए, यहाँ वाला हिस्सा जो है आपका
उसको आप टाइट कीजिए, आपका सही हो जाएगा। पर कस्टमर का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए हैं तो नहीं हो रहा है, तो उनका भी कहना सही था कि कितना भी टाइट कर दे रहा था उनका नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था क्या कि धागा फंस गया था। ये देख सकते हैं, ये धागा फंस जाने के बाद आप कितना भी टाइट कर दीजिएगा यहाँ तो आपका नहीं सुधर पाएगा। इसको जब आप निकालिएगा उसके बाद ही ये सही होगा। तो चलिए अब हम लगाते हैं धागा। चलिए ये लग गया हमारा। अब हम जस्ट जस्ट दोस्तों यहाँ साइड में सिलाई करेंगे। चलिए हम ऊपर से सिलते हैं ताकि नीचे भी आपको दिखे अच्छा, क्या कि हमारा नीचे का सिलाई ख़राब आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर लो कैमरा। चलिए धागा लगता है नीचे का ख़त्म हो गया है, फिर भी थोड़ा सा सिलाया है। ये देख सकते हैं इस साइड वाला है, उसके बाद थोड़ा ऊपर कर लो कैमरा। ये देख सकते हैं नीचे का सिलाई ब्लू कलर का रहता है, वो देख सकते हैं बिल्कुल सुधर गया। किनारे में हम सिले, ये किनारे सिले दोस्तों और ये किनारे सिले, मतलब नीचे का सिलाई जो हमारा है वो बिल्कुल सुधर गया है। देख सकते हैं आप, अच्छे से दिखा दो थोड़ा ही। ये देख सकते हैं नीचे का सिलाई बिल्कुल सुधर गया है, बिल्कुल दानेदार बखिया आ रहा है, एक नंबर। तो इस तरह करके दोस्तों आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और भी किसी तरह का आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से आप कमेंट कीजिए और आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। और सिलाई मशीन संबंधित कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, न्यू मशीन आपको चाहिए, न्यू मशीन चाहिए या पुराना मशीन आपको चाहिए, वो भी उसका भी काम होता है दोस्तों, तो आप संपर्क करें दोस्तों। नीचे आपको ऐड दे दिया जाएगा, स्क्रीन पे आपको कुछ मशीनें दे दी जाएगी, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं मशीनें। और सिलाई मशीन मोटर का हम बात करें दोस्तों, तो मिनी मोटर आपको लेना है सिलाई मशीन का, जो आपका छोटा मशीन में लगेगा। देख सकते हैं वहाँ मिनी मोटर इतना पड़ा होगा, वो मिनी मोटर आपको लेना है। अगर आपको मशीन में हाथ वाला मशीन है, पैर वाला मशीन है घर यूज के लिए, तो उसमें ये छोटा मशीन में आप मिनी मोटर लगाना है आपको। अगर आपको मिनी मोटर चाहिए तो स्क्रीन पे आता होगा दोस्तों, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो फ्लिपकार्ट अमेजोन में आप चल जाइएगा और वहाँ से आपका होम डिलीवरी कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।